शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है, महाराष्ट्र की राजनीति फिर से हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार के रिश्ते कैमरे पर और बंद कमरे में कुछ और नजर आते हैं। चाचा से भतीजे की बगावत एकदम फिल्मी नजर आ रही है, और वो उस शहर में जिसे माया नगरी कहते हैं। दुनिया की नज़र में भतीजे दूसरी बार चाचा से बगावत करके महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शरद पवार के पुराने जहाजदार भी शरद पवार की पोल खोल रहे हैं और ये भी समझा रहे हैं कैसे शरद पवार ही हैं जिनके कहने पर बीजेपी से सरकार में मंत्री पद की डिमांड हो रही है। इसका तो यही मतलब है कि चाचा भतीजे की गुपचुप मुलाकात पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और उद्धव गुट ठाकरे के नेताओं का सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, जिसका जवाब चाचा और भतीजे को देना चाहिए। सबसे ज़्यादा शरद पवार पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो आखिर क्या छुपा रहे हैं। शरद पवार घर से बाहर गुपचुप मीटिंग करते हैं और फिर बाद में इसे पारिवारिक मामला बताकर टाल देते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी जबान खोल दी है। छगन भुजबल की गिनती महाराष्ट्र की सियासत में एक कद्दावर नेता के तौर पर होती है, जिनके सीने में छिपे हैं कई गहरे राज, जो गाहे बगाहे खुलकर सामने आ जाता है। अब छगन भुजबल ने ही अपने एक बयान में कह दिया कि बीजेपी से बातचीत करने के लिए किसी और से नहीं बल्कि शरद पवार ने रास्ता दिखाया था। मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए बाकायदा शरद पवार की तरफ से अपने लोगों को भेजा गया, जिसे अब बगावत कहा जा रहा है, जबकि ये बगावत नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आखिर कैसे महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है बवाल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हर तरफ से शरद पवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब सवाल उठाने का मौका भी शरद पवार की तरफ से ही दिया जा रहा है। शरद पवार कहते हैं कि उनके भतीजे ने उनसे बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, लेकिन छगन भुजबल कह रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के कहने पर हुआ। अभी हाल ही में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, अजीत पवार उनके सीनियर नेता हैं। पर अब छगन भुजबल ने भी अपनी जबान खोल दी है। छगन भुजबल ने बीड रैली में शरद पवार पर जबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले INDIA गठबंधन में शरद पवार को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार का साथ छोड़ अजीत पवार गुट में जाने वाले पार्टी के बड़े नेता छगन भुजबल ने कहा कि हमें शरद पवार ने ही बीजेपी से मंत्री पद के लिए बात करने के लिए कहा था। छगन भुजबल ने मंच से ही शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बताइए कि 2014 से अब तक क्या हुआ है, आपने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल को दिल्ली जाने को कहा और कैबिनेट बर्थ के लिए मीटिंग करने को कहा। छगन भुजबल ने दावा किया कि जो जयंत पाटिल अभी शरद पवार के साथ है, वो भी पहले मंत्री बनने की रेस में थे और उनका नाम लिस्ट में था। कई ऐसे नेता हैं जो अभी शरद पवार के मंच पर खड़े होकर हमें कोस रहे हैं, वो सब पहले बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार रहते थे। छगन भुजबल ने ये रैली बीड़ के येउला इलाके में की थी, जब अजीत पवार ने शरद पवार से नाता तोड़ लिया तब शरद पवार ने यहाँ से ही अपनी पहली रैली को संबोधित किया और फिर से पार्टी को खड़ा करने की बात कही। लेकिन अब उसी इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए छगन भुजबल ने शरद पवार के खिलाफ बयान दिया। छगन भुजबल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने शरद पवार से और भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि बारामती जाते ही शरद पवार और सुप्रिया सुले बदल जाते हैं और अजीत पवार को अपना नेता बताते हैं, अगर ऐसा है तो अजीत पवार को डिप्टी सीएम क्यों नहीं मानते। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई है। पहले अजीत पवार ने कई समर्थकों विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ा और सरकार में शामिल हो गए। शरद पवार ने पहले से बगावत करार दिया, हालांकि इसके बावजूद वो कई बार अजीत पवार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने इसे पारिवारिक मुलाकात तक ही बताया। हाल ही में शरद पवार की बेटी ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी टूटी नहीं है, सभी NCP के नेता ही हैं, सिर्फ इतना हुआ कि कुछ नेताओं ने अलग रास्ता ले लिया। एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार के बीच जंग चल रही है तो दूसरी ओर विपक्ष में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि शरद पवार इंडिया गठबंधन के अहम नेता हैं, जबकि अब अजीत पवार NDA में शामिल हो गए हैं। अभी हाल ही में एक अखबार ने पृथ्वीराज चव्हाण के
हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता शरद पवार से अपना पक्ष साफ करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इन सब से इतर सुप्रिया सुले ने कांग्रेस नेताओं के उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि मैं सीधा जवाब देती हूं, कोई ऑफर नहीं दिया गया, मुझे किसी ऑफर के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कांग्रेस क्या स्टेटमेंट दे रही है। पवार साहब और मैंने कोई बयान नहीं दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करेंगे, हम संसद में कांग्रेस के साथ बैठते हैं और उनके साथ रणनीति बनाते हैं। उनके राज्य नेतृत्व के बारे में मेरा बोलना अनुचित है, मैं कांग्रेस के राज्य नेतृत्व पर टिप्पणी नहीं कर सकती। वहीं अजीत पवार से बार बार मुलाकात करने पर शरद पवार पर शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में लिखा, डिप्टी सीएम अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे। कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त रूप से हो रही है, इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। शिवसेना ने सामना में शरद पवार पर निशाना साधते हुए लिखा कि लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि बीजेपी के देसी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रहे हैं क्या, ऐसी शंका को बल मिल रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम पैदा होगा या फिर बढ़ेगा? जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता पैदा हो गई और इसके लिए मौजूदा सियासत ही जिम्मेदार है। खैर, सियासत में कोई स्थायी तौर पर दुश्मन या दोस्त नहीं होता। कल को अगर शरद पवार उनकी पूरी पार्टी हांडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाती है तब भी हैरान नहीं होना चाहिए। सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चलते चलते आकर मैं शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।